तीन भी तीन तो छे तक इत वचन लिखा है ध्यान न सुनना ध्यान न वचन सुनी चलना के वचन ही लिखा है परमेश्वर की चाहता है किस तरह परमेश्वर बनाना चाहता है इंसान किस तरह बनता है परमेश्वर ने की सोचा होता है इंसान अपनी मर्जी कर बैठता है। हाँ जी पढ़ांगे यूहन्ना तीन दी तीन तो छे तक यीशु ने उत्तर दिता कि मैं तेनू सच सच आखदा हाँ कि कोई मनुख जेकर नवे सिरों ना जमे परमेश्वर दे राज नूं वेख नहीं सकदा। हाँ जी इत्थे की लिखा है निकोदेमुस ना दे मनुख सी यीशु मसीह दे कोल आया यीशु मसीह ने सवाल करता है अगो यीशु मसीह ने उत्तर दिता कि मैं तेन सच सच आखदा हाँ कि कोई मनुख जे कर नवे सिरे ना जमे तो परमेश्वर दे राज नूं वेख नहीं सकदा। नवे सिरे कितना जमना है अज वचन दे विच ध्यान नाल सुनना। हाँ जी अगे पढ़ो पास्टर जी निकोदेमस ने उसनूं उत्तर दिता हाँ जी मनुख जा बुढ़ा हो गया तो कि को जम सकता है हाँ जी कि यह हो सकता है जो अपने माँ की कुख विच दुई बार जावे अते जमे। हाँ निकोदेमस जदो यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिता तो निकोदेमस ने फिर सवाल किया कहना कि इंसान जदो बुढ़ा हो जाता है तो किवें दोबारा जम सकता है कि माँ के पेट के विच दोबारा चला जाएगा दोबारा जन्म लवेगा। अगो यीशु मसीह फिर उन्हें की कहता है हाँ जी पढ़ो पास्टर यीशु ने उत्तर दिता मैं तेनू सच सच आखदा हाँ कि कोई मनुख जेकर जल और आत्मा तो ना जमे तो परमेश्वर के राज विच वार नहीं सकता। यीशु ने उन्हें उत्तर दिता जदों निकोदेमस ने सवाल किया यीशु मसीह ने उत्तर दिता मैं तेनू सच सच आखदा एक बारी भी कह सकता ही सच आखदा दो बारी कह सच सच आखदा कि कोई मनुख जेकर जल अते आत्मा तो ना जमे तो परमेश्वर दे राज विच वड़ नहीं सकता। जल जल तो किवें जमना है और जल तो किवें जमना है जल जल विच तो रोज ही नहांदे आ जमना किवें जन्म किवें लैना है बपतिस्मा लैना है जल और आत्मा आत्मा पवित्र आत्मा पहला बपतिस्मा लेना फिर पवित्र आत्मा पाना ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਸਵਰਗ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣੇਗਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ